क्या की थी एग्जीक्यूशन केस है सर, ट्रायल कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है। रिव्यू इंस्ट्रक्टर से रिपोर्ट गलत आया है जिसको बेस मानते हुए डिसमिस किया है। तीन बार रिव्यू इंस्ट्रक्टर ने रिपोर्ट दिया है और यहाँ से हाई कोर्ट से डायरेक्शन जाता है कि उसको एग्जीक्यूशन करना है। रिव्यू इंस्ट्रक्टर एक लाइन का रिपोर्ट देता है कि वो जमीन में मकान नहीं है, फिर दोबारा लिखता है कि जमीन में मकान नहीं है। इस बार उन लोगों ने फील्ड रिपोर्ट सबमिट किया है, फील्ड बुक, फील्ड बुक पेज नंबर 26 में सर, वो पूरी तरह गलत है फील्ड बुक। तो बहस के लिए निर्धारित किया जाता है अभी करो ना बहस। यस सर, ये पेज नंबर 46 में फील्ड बुक है सर। नहीं, पहले ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर क्या बताइए फिर जरा। यस सर, ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर, ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर है पेज नंबर 13 से 15 तक है सर। क्या पढ़िए जरा। Mr. Counsel for respondent, you tell us the objection, whatever has been taken, it has to be considered only after recording of the evidence. Manod, isme teen bar demarcation ho teen bar nahi, yeah, I'm seeing on going through the first order which is under challenge. Man, to usme to demarcation ki jo bhi agar shortcomings hai wo to this demarcation has been done in pursuance of the commissioner report. Ha, isme court ke direction mein hua to, hai na? Ha, कमिश्नर की रिपोर्ट में हुआ तो कमिश्नर की रिपोर्ट की वैलिडिटी और वो सब तो 26/9 और 26/10 में कर दिया है, एग्जामिन करना पड़ेगा। हाँ, तो ये बिना एग्जामिनेशन की कैसे करेगी? इसमें तो तीन बार से रिपोर्ट आ रही है, तीन सौ बार आए, तीन बार नहीं 300 बार, लेकिन ये प्रक्रिया का फॉलो हुआ कि नहीं हुआ? ऑर्डर 26 रूल 9/10 का फॉलो होगा और क्या, ये तो कभी हो ही नहीं रहा यहाँ पे। ट्रायल कोर्ट को तो आइडिया नहीं है कि कैसे टैक्सेशन में डिसाइड करना है। इसमें जिनका वर्तमान में कब्जा है वो पार्टी नहीं है तो अरे वो सब अलग, अब वो इशू नहीं है। हम तो इस ऑर्डर की वैलिडिटी को एग्जामिन कर रहे हैं जी, बाकी के तो हमको दाएं बाएं जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर प्रोसीजर लैप्सेस है तो कैसे होता है, निकालो भाई सीपीसी दिखा दो। ऑर्डर 26 रूल 9/10 में क्या होगा फिर? ये तो कोर्ट गवाह के रूप में आएगा वो, उसमें फिर बयान साक्षी होगा, उसके बाद ही तो डिसाइड करेगा कि राइट है कि रॉन्ग है। बताइए जरा, पढ़ के ना उसको। पहली बार फील्ड बुक जमा हुआ सर। अरे रुको भाई, आपके फेवर की बात कर रहे हैं अब, क्या है 9/26/9 नहीं, अब 10 में क्या है? ये कमीशन इशू हुआ था उस पे, तो कमीशन पे अभी ये एग्जीक्यूशन में भी तो कमिश्नर होता है ना। हाँ, भाई कमिश्नर तो ये एग्जीक्यूशन की प्रोसेसिंग को ज्यादा अच्छा कर देगा, तो कमिश्नर में फिर उसका बयान नहीं कराओगे आप? बयान कराओगे, गवाही साक्षी का मौका मिलेगा, खत्म हो जाएगा काम, हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और इनकी उपस्थिति में हुआ था मैडम, मैं सब मान रहा हूँ, मैं कहीं नहीं मान रहा हूँ, लेकिन ये बिना गवाही के कैसे होगा? सिविल जज को तो नहीं मालूम, चलो सिविल के बारे में, लेकिन आप हमको तो थोड़ा अगर आइडिया है तो बताइए ना। इसमें जजमेंट है, मैं भी बिना कैसे होगा? यस मिस्टर साहू, यू आर अपरिंग और विथ हिम विथ मिस्टर शर्मा, यस कैसे होगा बिना गवाही के? गवाही हुई क्या? फर्स्ट टाइम हो गया। अब तो P1 का ऑर्डर को पढ़ के बताओ, बाकी की कहानी छोड़ो, P1 को सीधा बताओ। मेजरमेंट हैज बीन डन एंड आफ्टर द मेजरमेंट व्हाट व्हाट द ऑब्जेक्शन ही इज रेजिंग कैन बी डिसाइडेड विदाउट रिकॉर्डिंग ऑन व्हाट इज द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड अंडर सीपीसी की कमिश्नर की रिपोर्ट को आप कैसे बिलीव करोगे? गवाही का कमिश्नर का बयान होगा कि नहीं? भाई हमको तो यही पता है कि सिविल में गवाह कमिश्नर का भी बयान होता है। P5 पेज नंबर 19 गवाह का हुआ, कमिश्नर का हुआ क्या बयान? पटवारी स्टेटमेंट हैज बीन रिकॉर्डेड अंडर इन दी सेट प्रोसीडिंग इन दी एग्जीक्यूशन इटसेल्फ इन विच जो अभी इम्प्यूट ऑर्डर, उसमें जो ऑर्डर पास हुआ है इसमें पटवारी के बारे में कहाँ लिखा है? 2019 का स्टेटमेंट है। नो नो, दिस वाज डन व्हेन द हाई कोर्ट हैज रिमांडेड द मैटर। अभी इस जब ये ऑर्डर पास हुआ 26/10/22 को, इसके समय कोई हुआ है क्या बयान वगैरह?
तो रिकॉर्ड देखना पड़ेगा, ऑर्डर शीट देखना पड़ेगा, उसके लिए ऑर्डर शीट देखना पड़ेगा कि क्या हुआ। ऑब्जेक्शन लिया था, उस ऑब्जेक्शन को सुनवाई नहीं किया और एक तरफ से निर्णय दे दिया। नहीं, बिना गवाही के कैसे होगा भाई, कमिश्नर को बयान होगा। जो पहली रिट पिटीशन थी उसमें फ्रेश डिमार्केशन रिपोर्ट मंगाने का आदेश हुआ था, हम नहीं जानते। तो P1 बताओ साहब जी, P1 के संबंध में क्या हुआ ये बताओ सर। उसके लिए मेरे को एक बार रिकॉर्ड बस चेक करना पड़ेगा। रिकॉर्ड आ गया क्या? कहाँ का कर्स है ये? सर जी कसडोल का, सिविल जज कसडोल। लिख ले है? नहीं तो वैसे ऑलरेडी प्रकरण समाप्त हो गया। Close the execution proceedings. The from where prevails the order, it does not reflect that the commissioners have been examined. Commissioner and their patwaris and patwari have been examined before final passing the order as provided under order 26 rule 9 na 9 10 10 or 10 11 10 a. Okay. Order 26. Rule 10 Lordship, procedure 10. Of Commissioner Lordship. हाँ, और 10 A क्या है? 10 A is for Commissioner for scientific investigation. For scientific investigation. Investigation. Procedure for commission. Yes. Evidence be taken. 10 में तो clear लिखा हुआ है. The order 26 rule 10. Which provides procedure for commissioner, procedure for commissioner. नहीं नहीं, commissioner के बाद इसको आएगा, commissioner के बाद communication and yes, 10-3 में आएगा ना, commissioner may be examined in person. If the thing fails, so he is raising objection. No, he is raising objection before the court. But examination के लिए application सब नहीं दिया, but once he has taken objection, then how can the court decide that commissioner report is correct? The rule 10 sub rule 3 provides commissioner may be examined by the person, by in person, where the court is for any person, where the court is for any reasons dissatisfied with the proceeding of the commissioner, at he may direct such further inquiry to be made as a as it shall think fit. This clear the record of the case show that the petitioner has raised objection before the commissioner, which has been decided without any evidence. Considering this aspect of the matter, let the record of the execution proceeding of case number 55A/2022 decided before the learned by the learned civil judge class 1 Kasdol district Baloja Bazar be requisite within a week and list this matter for further reading in the fresh matter list on अट्ठाईस फरवरी जी। फ्रेश मैटर में आएगा 10:30 बजे आ जाइएगा आप।